들어 말해. मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी, श्री नुमाइंदा काउंसिल का बसा हूँ। पिछले दिनों जो गिरफ्तारियाँ यहाँ से हुई हैं औरंगाबाद और थाना से, और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो आईसिस के रास्ते में थे। इन्हीं गिरफ्तारियों के सिलसिले में और शहर में जो बेचैनी है और शराब है उस सिलसिले में, और इसमें जो फ्लॉज है उस सिलसिले में, हमने महाराष्ट्र ATS चीफ अतुल चंद कुलकर्णी से मुलाकात की और उनको तफसील से यहाँ के हालात के बारे में बताया। हमने जो पॉइंट्स उठाए थे कि जो एक लड़का हमारे शहर औरंगाबाद का मुशायर इस्लाम है, उसको हम पर्सनली बहुत दिनों से अच्छी तरह जानते हैं उनके फोर फादर्स से, कि वो ऐसी किसी दिन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वो बहुत नेक बंदा है, ये हमने उनसे ये बात कही। दूसरी बात ये कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से लोगों का ताल्लुक है, वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तो है नहीं। उनका कहना था कि वो जो है वेबसाइट और इंटरनेट के ज़रिए से रब्ता करते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो तमाम साइट जो ISIS और इस जैसी है उसको ब्लॉक ऑफ क्यों नहीं करते, ताकि वो रास्ते अगर बंद हो जाए तो नौजवान उधर जाएंगे, और जब नौजवान जाएंगे नहीं तो वो अपने गुमराह होने की कोई बात ही नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं और कई साइट्स हमने ब्लॉक की। तीसरी बात हमने की कि बेगुनाह जो लोग हैं उनको अरेस्ट न किया जाए, उनको परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि एक भी बेगुनाह अगर है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में आता है तो हम इसमें कोई हरेसमेंट उनको नहीं करेंगे और वो कोई तकलीफ नहीं देंगे। और जो लड़के जो सस्पेक्ट कहे जा रहे हैं, जो शक की बुनियाद पर जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके बारे में हमने कहा कि UAPA जो है वो लागू नहीं होगा। इसलिए ये कंसिडर किया जाना चाहिए कि जो कोई एक्ट हुआ ही नहीं तो वो इलीगल और लीगल कैसे हो सकता है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि UAPA की जो दफात या जो आर्टिकल्स है उससे उनको वंचित किया जाए। जी सर, तो हमने मेजर रिप्रेजेंटेशन यहाँ के लड़के के लिए और पार्शल रिप्रेजेंटेशन थाना के नौजवानों के लिए भी किया। उसी मौके पर वहाँ के MLA अवार्ड वगैरह भी आए हुए थे और उन्होंने एक बड़ा डेलीगेशन ला कर उनसे बात की। बहरहाल बहसीत मजमू हम ये समझते हैं कि टाइमिंग ऑफ द इवेंट को ऐसा लगता है कि 2019 से पहले ये खेल खेला जा रहा है। जो हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है उसके ताने बाने तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमान का बाइफर्केशन करने के लिए, कि मुसलमान जैसे जालिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उनके बीच में एक दरार डालने के लिए टाइमिंग के साथ हुकूमत के मंशे के मुताबिक ये काम हुआ है, हमको ऐसा लगता है। ये हमने इससे पहले अपनी प्रेस रिपोर्ट में भी दिया है। जो आश्वासन कुलकर्णी साहब ने दिया है, हमको उम्मीद है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे और बेकसूरों को कोई तकलीफ हमारे शहर में। जैसा कि आप बता रहे हैं तो इससे पहले किया जा रहा है, तो क्या जांच एजेंसियों को हुकूमत इस्तेमाल कर रही है? हुकूमत का जहाँ तक सवाल है, जांच एजेंसियों का मामला है कि कौन सा डिपार्टमेंट सही सलामत रहा है। CBI का हाल आप देख लीजिए, RBI का हाल देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की हालत देख लीजिए, कि बाहर आकर उन जजेस को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कोई भी डिपार्टमेंट तो ऐसा छोड़ा नहीं है जहाँ पर हस्तक्षेप करके उनको जो है करप्ट करने की कोशिश की थी। तो हमको लगता है कि एजेंसीज के मामले में भी गवर्नमेंट ऐसी कर रही है, और अगर इलेक्शन बाय हुक एंड कुक जीतना ही है तो ये हरकतें तो बहुत कम, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अभी अमेरिका के कोई थी सेनेटर का एक स्टेटमेंट आया है कि इलेक्शन आते आते यहाँ पे बड़े पैमाने पर कम्युनल वायलेंस, तो अब उनकी इत्तला क्या है हम तो नहीं जानते, लेकिन ये भी तो हुकूमत ही का जरिया हो सकता है। नहीं, अभी हुकूमत को जो जो चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएगी वो इलेक्शन। गिरफ्तारियों को किस कैसा देख रहे हैं आप, आपकी नज़र में क्या लग रहा है? हमारी नज़र में शक की बुनियाद पर ट्रैप करके ये ट्रैप लग रहा है। अभी ये ट्रैप किसने किया, क्या किया, वो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हमको लगता है कि ये इससे एक हिजान पैदा करके दो कम्युनिटीज़ में एक पेड़ पैदा करने के लिए, ये मुस्लिम
मुस्लिम नौजवान ये ऐसे हो रहे हैं तो हमको भी कुछ होना चाहिए। वहाँ तो हथियार भी बरामद हो रहा है, डोमेवली से हथियार निकल रहे हैं, यहाँ शक की बुनियाद पर हो रहा है। वहाँ हथियार भी मिलने के बाद जो है जमानत एक दिन में हो जाती है और यहाँ UAPA लग जाता है। तो ये जो पार्शलिटी है इसके ऊपर भी तो हमको नज़र रखने की ज़रूरत है। इसी से जो है इलेक्शन में जो है एक वोट बैंक जो है तैयार होता है किसी भी पार्टी। आपने जो चीज़ें बताई अंदर बंदूक की नोक पर लिखा कर लिया गया, वो क्या मामले थे, वो क्या क्या हुआ? ये तो ये फैमिली की नोक मुझे बुलाया गया था, ससुराल में जहाँ वहाँ तो कोई बंदूक रखी नहीं गई थी, लेकिन मेरी जो साली है मरियम जमीला मोहसिन की बीवी, उसने बताया कि उस पर बंदूक रखी गई थी और उससे लिखकर लेके गया, लिखा के लिया गया कि तेरा शोहर टेररिस्ट है, उस पर साइन कर। वो बेचारी बड़ी डर गई थी, उसने क्या किया, उन्होंने साहब ये तो इसमें लिखा है, मराठी वो जानती नहीं ठीक से, लेकिन उसने कहा कि मैं इतना तो समझ में आ रहा है मुझे कि इसमें कुछ गलत लिखा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपको साइन करना पड़ेगा। तो फिर उसने साइन कर दी डर के मारे, नहीं तो तेरे आदमी को उड़ा देंगे ऐसा कहा। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ जी, ये कब हुआ और कैसे हुआ और उस वक्त घर वालों घर में कितने लोग थे वो साइन? देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी सास थी और मुशाहिदुल इस्लाम थे, वहाँ दो ही लोग थे जिसको गिरफ्तार करके ले गया। मुझसे ये कहा गया था कि इसको 11 बजे तक छोड़ देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसको इंक्वायरी के लिए ले जा रहे हैं, छोड़ देंगे 11 बजे तक। नहीं तो ये कब आए थे लोगों को, क्या यूनिफॉर्म में थे? नहीं, सिविल ड्रेस में। हाँ तो सारी तफसील। हाँ, सिविल ड्रेस में रात में 3 बजे आए ये लोग, बहुत ज़ोर ज़ोर में नॉक कर रहे थे। तो मेरी सास और मेरा जो मुशाहिदुल इस्लाम मेरा नस्बती भाई है वो घर छोड़ के दूसरे तरफ चले गए थे, दूसरे घर में। तो वो समझ रहे थे चोर है, चोर 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 करके। तो वो लोग बाहर है, हम चोर नहीं हैं, हम पुलिस है, आप अंदर आ जाओ। तो बोले साहब अंदर चले गए। तो अंदर गया तो सारी चीज़ें वो जब तक छानबीन करना चालू कर दिया उन्होंने, बोलते सर ये वो 2-3 बैग भर के उन्होंने लेकर गए। बैग में क्या है क्या नहीं कुछ मालूम नहीं, अभी तक भी सामान है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सामान गया क्या नहीं गया। अभी 2 बैग्स थे बड़े बड़े, वो बैग लेकर गए, झोला जिसको बोलते हैं कैरी बैग का, बड़ा कैरी बैग होता है ना, वो बड़े के लेकर गए। इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते? देखिए ऐसा है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जो कुछ आप कर रहे हो जस्टिस से करना चाहिए, जो जिसने गुनाह किया है गुनाह की सज़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी बेकसूर को लेकर चले जाओ और उसको पनिश करो और परेशान करो। उनकी मदर भी बड़ी प्रॉब्लम में है, तकलीफ़ है, बीमार है। कल हम बॉम्बे भी गए थे, आए तो अभी भी बीमार है, वो दवाई खा रहे हैं, अभी सो रहे हैं, वो भी आने वाले थे लेकिन नहीं लेकर आए। आपको तबियत ठीक नहीं? ठीक। आपका नाम? मेरा नाम सैयद मुख्तार। इस तरह के इकदाम कर सकती है और अगर कर सकती है या नहीं कर सकती है तो उनके खिलाफ किन दफात के तहत कार्रवाई हो सकती है, क्या हो सकती है? देखिए पुलिस को या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है कार्रवाई करने के लिए कुछ गाइडलाइंस और रूल्स दिए हुए जिनका फॉलो करना ज़रूरी है। अगर नहीं किया जाता तो उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा सकती है, फिर कंप्लेन की जा सकती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब मैटर ऐसे सेंसिटिव नेचर के हो तो इस टाइम में जो है तो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है ये कानून को एक तरफ रखकर, रूल्स एंड रेगुलेशन को एक तरफ रखकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है। और आज तक का तजुर्बा ये है कि ना इनके खिलाफ कोई शिकायत करता है ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि इसको एंटी नेशनल बताकर जो किया जाता है तो उसके अंदर ऐसा लगता है सब लोग भी ये महसूस करते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल इस मामले में क्या लीगल इकदाम करेगी? देखिए मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल जो है जो भी लीगल हेल्प लगती है फैमिलीज़ को, अगर फैमिलीज चाहती है कंप्लेन करना और उनको अगर लीगल गाइडेंस चाहिए तो वो हिसाब से हम फिर जो है उनको वकील वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन लोगों का काम है कि वो सामने आए और नाइंसाफ़ी को उजागर करें। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल उनको लीगल एड देने के लिए तैयार है। आपका कहना है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं हुए, घर से जो बरामद की हुई है सामान की सील किया गया? नहीं, ये लोग जो बता रहे हैं अभी हमारे पास तो वो चीज़ चार्जशीट के साथ ही आएगी कोर्ट में, उस टाइम ही वकीलों को देखने के लिए मिलेंगी तो उस टाइम जो उसके ऊपर देखा जाएगा। लेकिन अब इनका जो कहना है कैसे कि जैसा जब्ती के लिए अगर आप किसी के घर में दाखिल हो रहे हैं तो कानून ये है कि आप सबसे पहले अपनी झड़ती दे अंग झड़ती दे और उसके बाद जो है तो आप वो शुरू किए। तो अब इनका जो कह रहे हैं रिश्तेदार उसके मुताबिक इस तरह का तो कोई प्रोसीजर फॉलो किया गया नहीं है। और जब कोर्ट में ये चीज़ प्रेजेंट होती है तो सब वो लीगल उसमें बिठा कर करते हैं उसको, जैसा कि
किसी ने अभी इल्ज़ाम भी लगाया कि मेरे सादे पेज पे सिग्नेचर्स लिए, तो वो तो ट्रीट एविडेंस में होगा, उस टाइम देखा जाएगा वो क्या होता है उसका। आपका नाम? एडवोकेट सलीम खान।